पुरुलिया से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां चल रही हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आप लोगों का क्या अनुमान है, कितने लोग यहां पर आएंगे, क्या खासियत होगी इस रैली में? देखिए, तैयारी तो श्री भाजपा ही नहीं, पुरुलिया की जनता ने भी तैयारी कर ली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कल स्वागत करने के लिए। और कितनी जनता होगी ये तो आप लोग गिनती करेंगे कल कि कितनी जनता, इसके लिए आप लोग को हम भी जिम्मा देते हैं कि आप लोग गिनती करिए कल कितना जनता यहाँ पहुँचती है। क्योंकि मेरे को लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान का पुरुलिया में इससे बड़ा रैली नहीं हुआ होगा, ऐसे ही कल ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है। इसी इलाके में आसपास में ममता बनर्जी भी अपना रोड शो कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उसका क्या असर आप देखते हैं, इधर मोदी जी उधर ममता बनर्जी आसी पास के इलाकों में? देखिए, पहले उनका था, नहीं था ऐसा नहीं है, 10 साल पहले उनका था, जादू चल रहा था कम्युनिस्ट को हटाने के लिए, जनता ने उनको चुना था, लेकिन अब वो फीका पड़ गया है। पहले उनका जनसभा होता था, अभी उनका पद सभा होता है, 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 500 ज़्यादा ज़्यादा ऐसे लोगों को लेकर कार्यक्रम कर रही है। तो करें और 2 महीना इसके लिए उनको मैं कि आप जंगल महल में तो इतना सा छल कपट किए इतने 10 साल तक, आप अगला चुनाव में जनता आपको दिखा देंगे। अच्छा, वो ये भी कह रही हैं कि बीजेपी की ओर से उनका ये भी आरोप है हत्या करने की साजिश की जा रही है, ये उन्होंने कहा है। हाँ, 150 से ज़्यादा हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने, पुलिस के मददों से उसको न्याय दिलाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा, लेकिन आज तक एक भी जांच नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ आपका ये जो शासन रहा क्या किया आप, हम तो चाह ही रहे थे कि आप जाँच करो, जाँच करके आप दिखाओ कि जो है दोषी उसको सजा दो, लेकिन अभी तक एक भी जांच नहीं हुआ, एक भी आदमी को नहीं पकड़ा। पुरुलिया में 6-6 आदमी को मौत के घाट उतार दिया, लगभग 100 से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं को अब हाफ मर्डर करवा दिए, एक भी जांच नहीं हुआ, कहीं FIR दर्ज नहीं, FIR दर्ज हुआ तो किसी का नाम नहीं। किसने मर्डर करवा दिया? ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने, पुलिस के मदद से, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, पुलिस के पूरा मिली भगत थी, नहीं तो एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया कहीं पर। तो ये एकदम सीधा जनता जानती है, इसीलिए यहाँ लोकतंत्र बोल के कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मैं बोलूँगा, इससे जो वर्तमान जो बंगाल की परिस्थिति है, पाकिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, ऐसा परिस्थिति बंगाल का हो गया। ये आपको क्यों लगता है कि ऐसी परिस्थिति हो गई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, इसके पीछे आधार क्या है, कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, यहाँ लोकतंत्र बोल के कुछ भी नहीं है, एक ओपोजिशन पार्टी का कहीं कार्यक्रम करने का आज़ादी नहीं है, परमिशन नहीं है, परमिशन है तो पुलिस रोक देती है गाड़ियाँ को, लाठी चार्ज करती है, ये जितने मर्डर वगैरह होती है इस सब में प्रशासन के लोगों का मदद रहता है, नहीं तो इन लोग क्यों नहीं आज तक जांच किया, जांच ना करने का कारण यही है, सब मिले जुले हैं और इन लोग चाहता है कि किसी तरह। यहाँ तो लोकतंत्र है, आपने जहाँ नाम लिया सीरिया का नाम लिया, आपने पाकिस्तान का नाम लिया, तो यहाँ बंगाल से तुलना, यहाँ तो पूरी डेमोक्रेसी, उसमें लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपको उसमें लोकतंत्र, पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है आपको? यहाँ लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, तुलना आप कर रहे हैं पाकिस्तान। तो यहाँ की जो सरकार है, बंगाल की जो सरकार है, उसका उससे भी बदतर स्थिति है बंगाल में, पाकिस्तान से बदतर, पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति है बंगाल सरकार। इस तरह से हर चीज में आप देखिए, बगल से कोई नेता अगर यहाँ आता है हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जाता है। कल आप देखे होंगे हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी अभी अभी गए यहाँ से, कल उनके साथ एक पुलिस के अधिकारी बदसलूकी से बात कर रहा है, वो कहाँ, वो के बाहर के आदमी है क्या, हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, बगल पड़ोसी राज्य का लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, एक पुलिस अधिकारी ऐसा व्यवहार बदतब कर रहे थे, अब उसका हिम्मत कहाँ से आया? जब तक ममता बनर्जी का नहीं सारा रहेगा तब तक ये सब कोई भी अधिकारी नहीं हिम्मत करेगा। ऊपर से बोली होगी कि कोई भी आए, भारत सरकार के मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, किसी के साथ भी हो, किसी से इज्जत से बात नहीं करना, उसके बदसलूकी करना। ये बता दीजिए, 10 साल से चुनी हुई सरकार है, ये तो मानेंगे आप? बिल्कुल, जनता ने वोट दी थी, लेकिन इस बार देख लीजिएगा, ओपोजिशन में भी रहने का लायक नहीं रहेगी। मैं इस बार दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ओपोजिशन में कौन आएगा इस बार? ममता बनर्जी को आपका तृणमूल का जो कार्यालय है वहीं से बैठ के उसको विपक्ष का लीडर बनकर रहना पड़ेगा, विधानसभा नहीं पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, हार जाएंगे वो निश्चित रूप से, 100% मैं दावा के साथ बोलता हूँ। तो पुरुलिया के सांसद से हम बात कर रहे हैं और उन्होंने तमाम सारे दावे किए हैं और बड़ी एक बात और उन्होंने ये कह दी है कि पाकिस्तान और सीरिया से तुलना कर दी है इस पश्चिम बंगाल की। कैमरा चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, पुरुलिया।
आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी 9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।